नमस्कार। पूरे देश में राममय माहौल है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो ऐसे में इस मामले से जुड़े हुए, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो या इस मामले की कानूनी लड़ाई से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पीएन मिश्रा, जो अयोध्या मामले की हाई कोर्ट में भी पैरवी किए, सुप्रीम कोर्ट में भी किए और नतीजा आपके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो मिश्रा जी, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। उद्घाटन से पहले ढेर सारी बातें हो रही हैं, साधु संतों का योगदान रहा, सियासत का योगदान रहा, बहुत लोग ऐसे भी रहे जिनकी चर्चा ही आजकल नहीं होती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी पार्टियों के अलावा कुछ धर्मगुरुओं का भी विशेष महत्व रहा। चूंकि आपने हाईकोर्ट में भी इस केस की पैरवी की है, तो हाईकोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर, विशेषज्ञ गवाहों के तौर पर कुछ धर्मगुरुओं की पेशी हुई थी, वो लोग आए थे। मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन आया था और उनका कितना योगदान रहा फैसले। देखिए, उसमें कई जो है वो धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में आए थे, उनकी सूची जो है वो हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। उनमें से कुछ दो तीन लोगों के नामों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो वर्तमान शंकराचार्य हैं ज्योतिषपीठ के, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही के आधार पर जो है जन्मभूमि का निर्धारण कोर्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने एडवर्ड के द्वारा लगाए हुए पिलर के आधार पर स्वयं जो है विविध मंदिरों का और जन्मस्थान का दर्शन किया था, ऐसा साक्ष्य उन्होंने दिया था। उनसे 10 दिन तक जो है 15 वकीलों ने उनका जो है जिरह किया था, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था विपक्षी प्रतिपक्षी वकीलों ने, तो उसके बाद भी जो है वो अविचल अटल रहे थे। इसलिए उनकी बात पर कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे गवाह की सत्यता पर संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए जन्मभूमि का निर्धारण होता है। उसमें वो क्या तकनीकी सवाल थे जो अवमुक्तेश्वरानंद ने साबित किए कोर्ट? उसमें तकनीकी सवाल ये थे कि जैसे मुख्य रूप से सभी जो स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसमें अयोध्या महात्म्य है, उसका जो एक अध्याय है अयोध्या महात्म्य का, उस पर सभी कुछ श्लोकों पर निर्भर करते थे, जिसमें बताया गया है कि सरयू नदी में स्नान करके, सरयू नदी उत्तर में बहती है अयोध्या की, ऐसा भगवान राम ने रामचरितमानस में भी कहा है, वही स्थिति है। तो यानी उससे दक्षिण की ओर जाइए तो जो है पिंडारक विभीषण के पुत्र थे, उनका मंदिर बना है, पिंडारक का मंदिर है, उसके बगल में जो है वो पश्चिम में जो है वो विघ्नेश का है, फिर जो है उसमें आ जाता है कि लोमस और वशिष्ठ जो है के मध्य में जो है, उत्तर दक्षिण में लोमस वशिष्ठ हैं, उसके मध्य में जन्मभूमि है और विघ्नेश्वर से ईशान कोण में है। ये विघ्नेश्वर की स्थिति बड़ी जटिल स्थिति थी, यहाँ से ईशान कोण की बात कही गई थी लेकिन विघ्नेश्वर कोई मंदिर वहाँ था नहीं, विघ्नेश मंदिर था जिससे नैऋत्य कोण में था। तो अब जन्मभूमि यही है, ये साबित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुसलमान लोग ये कहते थे कि एक अन्य जन्म स्थान के नाम का मंदिर है वहाँ पर अयोध्या में, वो जो है वो नैऋत्य, वो ईशान कोण में विघ्नेश से पड़ जाता है, तो उन्होंने कहा वो यही है। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्कंद पुराण का के जो मंदिर हैं उनको एडवर्ड कलेक्टर थे वहाँ के फैजाबाद के, 1902 में उन्होंने तीर्थ अनुसंधानी सभा बनाई थी, 158 पिलर गढ़वाए थे, तो उन्होंने बाकायदे मिला के बताया कि यहाँ पर गए एडवर्ड का लगा गढ़ाया हुआ यहाँ पर पिलर था और स्कंद पुराण के अनुसार जो बताया गया वो मंदिर भी है। यानी जो मंदिर स्कंद पुराण में बताए गए थे वो 1902 में भी वो प्रमाणित हुए, और उसके बाद 2005 में जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी दर्शन करने गए थे उस समय भी वही स्थिति थी, तो इससे कोर्ट ने उसको प्रमाण माना। ये वही अवमुक्तेश्वरानंद हैं जो आज की बड़ी चर्चा में है? हाँ, वही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इस समय वर्तमान में वो ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उनके अलावा एक तो बात हो गई कि
जो अब मुक्तेश्वरानंद को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, आप देखिए समझिए कि किस तरह से उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इस राम मंदिर के निर्माण में, और अयोध्या मामले में जो जीत मिली थी, रामलला की जीत जो हुई थी कानूनी तौर पर, आचार्य राम भद्राचार्य जी की भी गवाही हुई थी, उसके बारे में बताएं। देखिए, आचार्य राम भद्राचार्य की जब गवाही हुई थी, उस समय जो हमारी जूनियर असिस्टेंट थी रंजना अग्निहोत्री, वो कोर्ट में उपस्थित हुआ करती थी। मैं सीनियर काउंसिल बहस करने गया था। हम लोग जो ऑन रिकॉर्ड उनकी गवाही पढ़े हैं उसके आधार पर ही बताते हैं। तो उनकी जो गवाही थी, उन्होंने जो सभी ने साक्ष्य दिए, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, रुद्रयामल, ये सब जो धार्मिक ग्रंथ थे, ये धर्मगुरु हैं दिए, इनसे लोग प्रभावित इस मामले में थे कि ये दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते, फिर भी इन्होंने जैसे बताया कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य के इतने श्लोक में ये लिखा है, तो लोगों पर वो उसका प्रभाव पड़ा कि मैंने कितना परिश्रम से इन्होंने पढ़ा लिखा है, वो बात अलग रही। लेकिन इन्होंने एक तुलसी दोहा शतक भी प्रस्तुत किया था, उस पर जो है वो जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने जो मेजॉरिटी जजमेंट लिखा है उसको खारिज रिजेक्ट करते हुए उस पर कमेंट भी लिखा है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, जजेस का भी दायित्व होता है कि किसी भी पार्टी के वकील को या उस पार्टी को उसके केस के पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा वो गवाही उसको ना देने लें। तो जैसे कि अगर हम कहें कि बाबर ने तोड़ के मस्जिद बना दिया, तो इसका मतलब हम स्वीकार कर लिए कि बाबर ने मस्जिद बनाई, तो मस्जिद का तो अस्तित्व हमने मान लिया कि बाबर ने बनाई, अब मुसलमानों को ये साबित करना नहीं रहेगा। लेकिन कानून की भाषा में ये कहा जाता है कि वो कहते हैं बाबर ने बनाई, तो हम कहेंगे बाबर ने नहीं बनाई, तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा, उनको साक्ष्य देना पड़ेगा कि बाबर ने बनाई। इसलिए जब हम अगर स्वीकार करने जाएंगे कि बाबर ने बनाई, तो एक बार न्यायमूर्तिगण अवश्य कहेंगे कि ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों स्वीकार कर रहे हो, इनको साबित करने दो आप। उसी तरह से राम भद्राचार्य जी ने जो दोहा शतक प्रस्तुत किया था, एक तो वो तुलसीदास जी का दोहा सिद्ध कोर्ट में नहीं हुआ, अदालत ने उसको उनका रचित नहीं माना, और आज भी गीता प्रेस से बड़े प्रामाणिक ग्रंथ छपे हैं, वो दोहा शतक तो आज तक नहीं छापा गया, या कहीं मैंने प्रामाणिक जो हिंदुओं के संस्थान हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा जब बाबर ने तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बना दिया, ये सब कर दिया, तो उससे जो है वो मंदिर सिद्ध के माने मंदिर का कब्जा प्राप्त करने के प्रतिकूल होता था, क्योंकि एक लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन भी है, अगर आपका कब्जा हमने कर लिया, 12 वर्षों के अधिक समय तक रह गए, आपने नहीं छोड़ाया, तो वो लिमिटेशन से काल बाधित हो जाता है, आप अदालत के माध्यम से कब्जा नहीं ले सकते। तो ये जो था, ये कानूनी दृष्टिकोण से हम कहें तो मंदिर के पक्ष में बहुत नहीं ले जा सकता था निर्णय, इसलिए वो गवाही जो है वो बहुत प्रभावी नहीं अदालतों में। ये सवाल इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चर्चा में तो बहुत होती हैं, तो चर्चा में जो बातें होती हैं कुछ उसमें भ्रम पैदा होती है, तो जो तथ्यों को रखना हमारा काम है। एक बात और जो अक्सर चर्चा नहीं होती कि रामलला विराजमान का रामलला को इस मामले में पक्षकार बनाना, इस मामले की जीत सुनिश्चित, उसी से जीत सुनिश्चित हुई। लाल नारायण सिन्हा के योगदान को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो रामलला विराजमान का केस है, जैसा कि मेरी जानकारी में है, जब मैं इस केस में नियुक्त किया गया 2009 में, तो किशोर कुड़ाल साहब ने मुझसे यह बताया कि लाल नारायण सिन्हा जी ने प्लेंट बनाया था, उस समय हम लोग गए थे, और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम सूट जो है लिमिटेशन से बाधित है। तो हमने कहा भाई किस आर्टिकल में बाधित है, कुछ उन्होंने बताया था? उन्होंने कहा कि लाल नारायण सिन्हा ने ये बताया था कि बाधित है, सीधे कोई आर्टिकल में नहीं, थोड़ा सा वो घुमा के लगाना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि लाल नारायण सिन्हा जैसे इतने इंटेलिजेंट और इतने माने जिनको कहें कि सर्वकालिक एक महान अधिवक्ता जो रहे, अगर उन्होंने कहा है इनसे, किशोर कुड़ाल जी भी अच्छे आईपीएस ऑफिसर रहे, को स्वयं में विद्वान है, अगर इनसे उन्होंने कहा है तो जरूर ही ये कालबाधित होना चाहिए। अब हमने खोजना शुरू किया कैसे कालबाधित होगा, तो उसमें ये है कि जहाँ पर जो है
एक तो ये है कि आर्ट 1908 का जो लिमिटेशन एक्ट था उसमें एक अनुच्छेद 142 था, एक 144 था, कि जैसे कि कब्जा 12 साल से कर लिया तो एक डिफेंडेंट ने कब्जा कर लिया या एक प्लेंटिव छुड़ाने गया तो 12-12 साल के दोनों में ही लिमिटेशन थे। लेकिन एक में था कि जो अगर इन दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं पड़ता है और कब्जा रिपोजेशन रिकवरी करना है तो वो अनुच्छेद जो है वो रेजिडरी अनुच्छेद 120 आर्टिकल है उसके अंतर्गत पड़ता है, उसमें लिमिटेशन 6 साल ही था, यानी 6 साल के भीतर करना है। तो हमने और देखना शुरू किया तो एक जजमेंट हमको जो है वो चीफ कोर्ट अवध का मिला। चीफ कोर्ट जो होती थी, चीफ कोर्ट जो होता था इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट होता था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता था, तो उसमें उसने उस कोर्ट में एकमात्र वही निर्णय मुझे मिला। उसमें ये था कि अगर किसी चीज को विवाद को लेकर के एक ने कब्जा किया दूसरा उसको छुड़ाना चाहता है, मजिस्ट्रेट ने उसको कुर्क कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वह जो है मजिस्ट्रेट ने कुर्क कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस रांग नहीं है, और जिस दिन मजिस्ट्रेट ने कुर्क कर दिया उस दिन से काज ऑफ एक्शन जो है 6 साल के भीतर आपको रिकवरी करने के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा। मुस्लिम सूट जो है वो 18 दिसंबर 1961 में फाइल की गई थी, तो और ये 22-23 दिसंबर 1949 के रात का मामला था, यानी 12 साल के लिमिटेशन वाले में तो ठीक थी, माने 22 दिसंबर को लिमिटेशन होता तो 18 दिसंबर को इन्होंने फाइल कर लिया 1961 में, लेकिन 6 साल वाला अगर लग जाएगा तब तो नहीं होगा। तो हमने वो चीफ कोर्ट का जो जजमेंट पेश किया उसके आधार पर हाई कोर्ट ने जो है ये माना, दो जजेज ने माना, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस डीबी शर्मा, उन्होंने माना कि हाँ लिमिटेशन 6 वर्ष ही यहाँ होगा, आर्टिकल 120 लगेगा और मुस्लिम सूट काल बाधित है और बार्ड बाई लिमिटेशन उन्होंने मुस्लिम सूट को खारिज कर दिया था। तो इसलिए लाल नारायण सिन्हा जी से तो हमारी तो मुलाकात हुई नहीं, लेकिन चूंकि उनका नाम हमने जब सुना कि उन्होंने कहा है काल बाधित होगा तो उस पर मैंने गंभीर रिसर्च किया और वो काल बाधित पाया गया था। और हालांकि उसमें यह हुआ कि ठीक है अब आगे नहीं कहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कालबाधित माना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी। नहीं यहीं पर दिक्कत हो गई, वो मैं बोलना चाहता था रुक गया। देखिए मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ के पराशरन जी को, वो एक सर्वकालिक महान अधिवक्ता हैं, और जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य धार्मिक क्षेत्र के होते हैं वैसे ही हमारे क्षेत्र के जो है वो हैं, हम लोग कानून बहुत कानून के शंकराचार्य। कानून के आप कह लीजिए, हम उन्हें बहुत ही सम्मान करते हैं और हमें भी उनका बहुत स्नेह मिलता है। तो लेकिन मैं उन्हें यहाँ रामलला का वकील के नाम से संबोधित हाँ करता आप जो भी कह लें उन्हें, तो यहाँ पर जब मैं आया था सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने अपने जूनियर को कह रखा था कि पीएन मिश्र अगर हों तो उनसे हमको मिलवाना। तो जब मैं बैठा था तो पीवी योगेश्वरन ने मुझे बुलाया, सर आइए, तो मैं गया फिर उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने बताया कि हमने आपकी आर्गूमेंट पढ़ी है जो आपने हाई कोर्ट में किया था, यू हैव आर्गूड विथ ग्रेट जील, बहुत मने मैं इम्प्रेस्ड हूँ, तो एडवर्स पजेशन और लिमिटेशन पर मैं आर्गूमेंट कर दूंगा, बाकी जो रिलीजियस है हिस्टोरिकल है आप उसके एक्सपर्ट हैं उस पर आप ही करिएगा, ये एसआई पर जो है ये कर देंगे वैद्यनाथन जी। हमने कहा ठीक है सर। तो लिमिटेशन पर यहाँ पर उन्होंने आर्गूमेंट किया था, और अब जो कुछ भी हो उनकी आर्गूमेंट से सहमत नहीं हुए जो है जजेस, और मुस्लिम सूट को उन्होंने काल बाधित यहाँ नहीं माना, माने हाई कोर्ट के उस फाइंडिंग को रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने मुझे अंतिम समय में भी कहा कि मिस्टर मिश्रा कुछ लिमिटेशन पर आर्गूमेंट कर दीजिए। तो अब इतने बड़े अधिवक्ता उस पर आर्गूमेंट कर चुके रहे थे, कर चुके थे, तो एक शिष्टाचार भी था, तो मैंने उनको कहा कि मैं जो पराशरन साहब ने आर्गूमेंट कर दिया है वही हमारी भी आर्गूमेंट आप मान लीजिए, उसके आगे मैं क्या हूँ। लेकिन वो फिर बोले नहीं आप कुछ आर्गूमेंट कर दीजिए, क्योंकि उनको ये लगता था कि इन्होंने हाई कोर्ट में आर्गूमेंट किया था, काल बाधित सिद्ध किया था, हो सकता है कि यहाँ कुछ और ये जजमेंट ऐड करें, तो ये मैं नहीं तो अनुमान आपने मैं आपने अनुमान नहीं लगा पाया कि ये रिवर्स करेंगे, अन्यथा मेरे पास जो है 5-7 जजमेंट उस पर थे। पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। तो ये सवाल इसलिए भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो उसमें
निर्मोही अखाड़े के सूट को कालबाधित हाँ उनको मान, उनको माना, इनको छोड़ दिया। मुस्लिम पक्ष के सूट को कालबाधित नहीं माना था, रामलला के पक्ष में फैसला आया था। शंकराचार्यों की बात हुई थी आखिर में, कौन सवाल ये शंकराचार्य, ऐसे कहा गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, बूटा सिंह के भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन की बात होती है कि किस तरह से जो रणनीति बनी उसमें वो भी शामिल थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनका क्या क्या योगदान रहा इस वाले इस मामले में? देखिए, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आंदोलन भी चलाने की कोशिश की। जब जो है वो शिलान्यास हो रहा था तो खुद भी शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे कि जो गर्भगृह है वहीं शिलान्यास करेंगे। इसके लिए मुलायम सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और चुनार के किले को जेल घोषित करके वहाँ पर बंद रखा। उन्हें 8-10 दिन तक बंद रखा, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था। आखिर में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट में, जो लोग कहते हैं आजकल के जो भी अनुयायी हैं किसी भी पार्टी के, उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जी से सीख लेनी चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी शंकराचार्य के जो है वो समर्थक तो थे नहीं, वो अपने ढंग से काम कर रहे थे। शंकराचार्य जी उनके कदम की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहा था कि शंकराचार्य हमारे शंकराचार्य हैं और उनको तुम लोग बंद करके कैसे रखे हो, उनको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वक्तव्य दिया था शंकराचार्य जी के समर्थन में आडवाणी जी ने। तो ऐसे ही हमारे यहाँ आज भी होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी छूटे थे तो आंदोलन का उनका जो था वो तो था, लेकिन जो कानूनी उनकी भूमिका रही कि उन्होंने जो है वो 1989 में वो भी पार्टी बने 4 नंबर सूट में, और उसके बाद में जो है उन्होंने ये देखा कि लखनऊ बेंच में ठीक से पैरवी उनके वकील नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझको नियुक्त किया, मैंने बहस किया, मैंने जो है आपसे आपसे शंकराचार्य जी की मुलाकात हुई। हाँ, वो असल में क्या हुआ कि आचार्य किशोर कुड़ाल जी जो हैं, श्रेय तो इनको ही जाता है क्योंकि ये जो है लखनऊ बेंच में वाच कर रहे थे। फिर इन्होंने उस समय शंकराचार्य जी कलकत्ते में चातुर्मास कर रहे थे, ये कलकत्ते गए और इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई कि जो है वो इनसे जो है कुछ काउंसिल जो केस कर रहे थे उन्होंने बताया कि हिंदू मुकदमे हार जाएंगे। तीन लोगों ने कहा कि मजबूत पैरवी करनी चाहिए। तो कलकत्ते में मैं हाई कोर्ट में वहीं प्रैक्टिस ही करता था, तो शंकराचार्य जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं गया, उन्होंने मुझे नियुक्त किया। और ये भी देखिए कि अगर हम कहें कि लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी की बात अब वो थे या नहीं थे, लेकिन घटना मैं बता रहा हूँ, निर्णय तो सारी जनता लेगी। उन्होंने मुझसे कहा जब मैं वहाँ, हमने पूछा कि क्या तैयारी है, उनके अधिवक्ता ने बताया कि कोई तैयारी नहीं है। सितंबर का महीना था, तो की बात है 2009। तो हमने कहा कि अगर जो है मुझे आप नियुक्त करते हैं तो कम से कम 3 महीने मुझे तैयार होने में लगेगा, 3 महीने के बाद मैं बहस कर पाऊंगा। तो सभी लोगों ने यह कहा कि 3 महीने तक तो मामला ही नहीं रहेगा, तो आप बहस क्या करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस भी शुरू हो जा रही है, तो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आपको तो अवसर ही नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि अगर मुझे बहस करना लिखा होगा तो मैं 3 महीने बाद ही करूँगा, और नहीं तो मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। आज मुझे आप लोग इंगेज कर रहे हो तो बिना पढ़े लिखे मैं कोर्ट में खड़ा हो जाऊँ, आंसर न दे पाऊँ, ऐसा मैं काउंसिल नहीं हूँ। तो शंकराचार्य जी ने तब कहा कि बहस तो आपको ही करनी है, चाहे जब जैसे करिएगा भाई, सब कागज पत्र मिश्र जी के यहाँ पहुँचा दो। और उसके बाद चमत्कार ये हुआ कि बहस पूरी होने के पहले ही जो चल रही थी, रफत आलम साहब का ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर, जबलपुर ट्रांसफ़र हो गया चीफ जस्टिस होकर के, बेंच टूट गई, फिर से बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुई दिसंबर में, और दिसंबर में रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बाद बहस शुरू हुई, फिर मुस्लिम पक्ष की बहस शुरू हुई तो नई सिरे से हुई, फिर उसके बाद में 15 मार्च से जो है वो हमारी बहस शुरू हुई। ये अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जब किसी मामले की सुनवाई हो रही होती है, चल रही होती है, और उसमें से अगर बेंच किसी वजह से विघटित हो जाती है, यानी एक जज रिटायर हो जाए या उनका ट्रांसफर हो जाए, तो फिर मामले की सुनवाई नए सिरे से शुरू होती है। जी,
तो उन्होंने जो है इस तरीके से, अगर मैं वहाँ एडवोकेट, मैं चूंकि व्यक्तिगत रूप से उसमें एडवोकेट था, आत्म प्रशंसा अच्छी नहीं होती है, मैंने कभी कहीं भी नहीं कहा है, लेकिन हमारे भारत के लोगों को ये जानना चाहिए कि मैं शंकराचार्य की संस्था राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का अधिवक्ता था। मैंने 207 जजमेंट 1836 से लेकर के 2009 तक के साइट किए, 125 रेफरेंस बुक जिनको कहते हैं लोग गवाही में, उन अपने लाइब्रेरी से मैंने पुस्तकों को पेश किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, केनोपनिषद, ये सब जितने उपनिषद हैं, वाल्मीकि रामायण, रुद्रयामल जितने हैं, हैंस बेकर की पुस्तक, आईने अकबरी, मुंतखब तवारीख, जितनी भी पुस्तकें हैं, बाबरनामा, हुमायूं नामा, तुझके जहांगीरी, शाहजहां नामा, जितनी मुसलमानों की ऑथेंटिक पुस्तकें, जितने भी उनकी कुरान की कमेंट्रीज मैंने सऊदी अरबिया से मंगाई थी 10 वॉल्यूम में, पाकिस्तान से 2 कमेंट्री, एक 5 वॉल्यूम में, एक 3 वॉल्यूम में, भारत की यूसुफ की कमेंट्री, मैंने जितनी भी ऑथेंटिक थी, जैसे उनके जो हदीस होते हैं 10 वॉल्यूम में सही बुखारी, 8 वॉल्यूम में जो है सही मुस्लिम, तिरमिजी की जो हदीस तिरमिजी की है, जितने थे हमने सब जो है वो प्रस्तुत कोर्ट में किए थे, हमारी मनुस्मृति याद, ये सब 125 संदर्भ ग्रंथ हमने प्रस्तुत किए थे, 23 स्टेच्यूट किए थे। फिर जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब हमसे मांगा गया था तो 32 पुस्तकें हमने यहाँ एक्स्ट्रा दी थी, यानी लगभग 400 ग्रंथों को मैंने पेश किया था। वो सारी की सूची हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में भी है, हाई कोर्ट में अगर मेरे नाम का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, हमारी ही सबसे अधिक अगर जो है वो जजमेंट साइट किए गए बहस है, तो ये श्रेय किसका है जिसका मैं वकील था। मुझे वो ले गए इसलिए मैंने बहस किया, नहीं ले जाते तो कैसे बहस करते। और मैं एक चीज़ ये बता दूं कि इस चीज़ को अब कैमरे पर लोग कहें या नहीं कहें, ये सभी रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरा योगदान था, तो मेरा योगदान अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो तो मैं जिसका वकील था उसका तो मुख्य योगदान हुआ ना, उसने ही तो मुझे नियुक्त किया। इसलिए सहानुभूति सबको रखनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि खाली अधिवक्ताओं या मुकदमा लड़ने से ही नहीं हो गया, दोनों ही है। मुकदमा अगर नहीं लड़ा होता, अदालत का निर्णय नहीं राम के पक्ष में आया होता, तो आज हमें भूमि नहीं मिलती। लेकिन इस निर्णय को दिलवाने में जो एक आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने चलाया था अशोक सिंघल के नेतृत्व में, वो बड़ा ही प्रबल प्रचंड आंदोलन था। अगर जो है वो ढांचा वहाँ पर यथास्थान, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने निंदा कर दी है, लेकिन वो जो कार सेवकों ने ढांचा जो ढहा दिया, उन कार सेवकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर ढांचा नहीं गिरा होता तो कोई भी अदालत ये तो न कहती कि जो है वो उसको खोद करके वहाँ पर जो है खुदाई ASI करे। तो ढांचा नहीं था इसलिए ASI की खुदाई करने में सुविधा हो गई, तो वहाँ 9वीं सदी के 12वीं सदी के मंदिर के फाउंडेशन मिल गए। तो वो जो प्रबल आंदोलन अशोक सिंघल जी का था, उसका बहुत प्रभाव था। वर्तमान समय में भी जो, जबकि अदालतों ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था मुख्य न्यायाधीश जी ने कि हमारे पास और भी महत्वपूर्ण मामले हैं, केवल यही मामला नहीं है, उस समय जो विश्व हिंदू परिषद का जनता का मोबिलाइजेशन था, आंदोलन था, या सोशल मीडिया पर जो था, उसने निश्चित रूप से जो है वो जल्दी सुनने के लिए बाध्य किया। अदालतों में हम लोगों ने सुनाया, निर्णय हम लोगों ने करवाया, लेकिन सुनवाई लायक वातावरण बनाने में तो इन लोगों की भी भूमिका रही। इसलिए निष्पक्ष रूप से अगर हम कहें तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे हम तो वही कह सकते हैं कि एक बार भूषण कवि ने जो है छत्र, उनसे पूछा कि छत्रसाल या शिवाजी, तो उन्होंने कहा कि अब साहु को सराहो कह सराहो छत्रसाल को, दोनों की ही भूमिका है, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही लड़ रहे हैं म्लेच्छों से, तो अब इस किसको मैं बड़ा कहूँ किसको छोटा। तो अगर न्यायपालिका में वकीलों के माध्यम से अगर हम कहें तो शंकराचार्य का योगदान जो है, लेकिन जो है वो न्यायपालिका से निर्णय करवाने में जो वातावरण जो बनाया, जो आंदोलन बनाया, या जो ढांचा समाप्त किया गया, तो उसमें जो ये संगठन थे जो संघ से जुड़े हुए, उनका योगदान भी जो है उसमें अतुलनीय है। तो हम हिंदुओं के लिए
दोनों ही बराबर के हैं, दोनों का ही योगदान है। इनके अलावा भी जैसे 500 वर्ष पहले जब युद्ध हुआ, राजा महताब सिंह ने बाबर से युद्ध किया, मारे गए, उनकी रानी जयराज कुंवर मारी गई, भीटी नरेश थे वो, पंडित देवीरीन पांडे उनके पुरोहित मारे गए कई दिन तक युद्ध करते हुए, हंसवर के राजा रणविजय सिंह मारे गए युद्ध करते हुए। तो इतने लोगों का समय समय पर लोगों ने बलिदान दिया है, तो हम किसको कहें कि किसका योगदान सबसे अधिक है, किसका कम है? तो हम तो आखिर में यही कहेंगे कि हम लोगों का योगदान सबसे कम है और उन लोगों का, बाकी सब लोगों का बहुत महान योगदान है। किसी की कोई भी अगर कहता है, शंकराचार्य कहते हैं धार्मिक त्रुटि है, तो उन्हें हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने जो है वो यजमान दूसरे को बना दिया कि हाँ भाई सपत्नी के यजमान पूजा करे, कोई धार्मिक विधि में व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। और शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि जब ढांचा ढहाया जा रहा था तो वहाँ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, जब जो है वो मूर्ति वहाँ प्रवेश कराई जा रही थी या प्रकट हुई तो वहाँ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, एक आपत्ति धर्म होता है। अगर आपत्ति धर्म है तो ठीक है। अब यहाँ पर निर्वचन का प्रश्न है, शंकराचार्य जी के अनुसार ये आपत्ति धर्म नहीं है, इस समय बड़ी बड़ा शांत वातावरण है, इसलिए 2-3 साल में मंदिर बना करके उसमें विग्रह को स्थापित करना चाहिए। लेकिन अगर हम आपत्ति धर्म उसको सिद्ध कर देते हैं तो शंकराचार्य जी भी मान लेंगे कि हाँ होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये मानते हैं कि आपत्ति धर्म है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, जनता किस वोट जाएगी, करवट जाएगी, ये कोई नहीं जानता। अगर ये सरकार वापस नहीं आई, दूसरी सरकार आई, तो शायद राम जन्म मंदिर को न बनाने दे, प्राण प्रतिष्ठा न करने दे, उसमें अड़कनचार लगा दे। तो ऐसी, क्योंकि जिस समय निर्णय हो रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं ये कह सकता हूँ कि जो सत्ताधारी दल था उस समय, उसने ये पूरा प्रयास किया कि निर्णय ना हो। हम लोग अंदर की बातें जानते हैं, उसको कैमरे पर नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हम गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन तत्कालीन सरकार जो थी उसने पूरा प्रयास किया कि निर्णय ना हो, और इस समय की सरकार ने पूरा प्रयास किया कि निर्णय हो। तो इसका मतलब ये है, अब जो मंदिर जितना भव्य दिव्य बन रहा है वो जो है किसी के भी बस में वो बनाना नहीं था, क्योंकि ये एक नई अयोध्या नगरी बसा दे रहे हैं। मंदिर तो सब बना सकते थे, इतना भव्य जो है वो अयोध्या नगरी नहीं बना सकते थे, इसलिए निर्णय के बाद इनका भी योगदान जो है अतुलनीय है। तो निर्णय के बाद इनके योगदान को आप सराहो, निर्णय करवाने में उनके योगदान को, लड़ने में राजा महाराजाओं के, इसलिए हमारे लिए सभी स्तुत्य हैं, सभी पूज्य हैं, और सभी जो है वो बड़े ही प्रेम से भगवान राम का दर्शन करें। एक बात आपने गौर किया कि मिश्रा जी ने इशारों इशारों में कह दिया कि भले ही शंकराचार्यों को न लगता हो कि ये आपत्काल है, आपत धर्म है, लेकिन सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, मौजूदा सरकार के लिए ये आपत्काल ही है। इसलिए आपत्काल में आपत धर्म के मुताबिक पूरी तरह निर्मित मंदिर नहीं हो, फिर भी विग्रह की आपत्ति प्रतिष्ठा धर्म एक अलग, अलग धर्म है, ऐसा जैसे किया जा सकता है, और ये सियासी मजबूरी। हाँ, तो लेकिन इनको जो भी लोग शंकराचार्यों के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार न करके इन्हें यही कहना चाहिए कि महाराज जी जो आपने कहा है ये भी आपत्ति धर्म है, क्योंकि कल किसने देखा नहीं है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बना, उसमें प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, आज खंडहर ही पड़ा रह गया है। इसलिए आपत्ति धर्म ये है, आप इसको माने कि आपत्ति धर्म है, आप लोग इस पर विचार करें, तो आप आपत्ति धर्म उनको बताओगे तो कहेंगे हाँ ठीक है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह से शंकराचार्य अचानक से पद ही सवालों के घेरे में आ गया है, ये बातचीत इसलिए, ये समझने के लिए कि राम मंदिर निर्माण में किन लोगों की क्या भूमिका रही। सबने बताया, सियासी पार्टियां, संघ, विश्व हिंदू परिषद, और इसके साथ साथ शंकराचार्यों की भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका रही, और मुक्तेश्वरानंद स्वामी, उनकी बात तो आपने सुन ली। खुद मिश्रा जी ने हाईकोर्ट में भी, कितने दिन हाईकोर्ट में किया था आपने? 24 दिन, हाईकोर्ट में 24 दिन, और यहां पर 1 हफ्ता से ज्यादा आपने छह दिन हाईकोर्ट में 24 दिन, सुप्रीम कोर्ट में 6 दिन, और
मैं इसलिए बात करने आया कि पूरे सुनवाई में नियमित सुनवाई कवर कर रहा था मैं, और एक व्यक्ति जिसके पास प्रत्येक दिन की सुनवाई में वेद, पुराण, उपनिषद, जितने तरह के धार्मिक ग्रंथ हो सकते थे, सर ने खुद गिनाया, वो चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, कुरान हो, इतने सारे सबूत पेश किए और ऐसे बताते थे जैसे हम एनसाइक्लोपीडिया के सामने खड़े हों। तो ये समझने के लिए कि इसमें किसका कितना योगदान रहा है, और मुक्तेश्वरानंद के बारे में अभी इस तरह की चर्चा हो रही है, ये उन लोगों के लिए कि आप समझिए, ये जानिए कि ये राम काज है, और राम काज में कोई एक श्रेय लेगा तो बात नहीं बनेगी। इसमें ये जैसे सेतु बांध बना होगा रामेश्वरम का, उस समय जब बांध बना होगा लंका विजय के लिए, तो उसमें जो नल, नील, गिलहरी, जामुन, मैं यहाँ यही कहूंगा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक गिलहरी के भी उन्होंने हाथ फेरा कि वो भी जो है बांध बनाने में धूल लगा करके जा करके वहां गिरा रही थी। तो उसी से हमें सबको श्रेय देना चाहिए जिसका भी कम है। क्या हमारे आम हिंदू का कम है जो जन जन जो है वो कार सेवा में जो है गया, किसके घर के कितने मारे गए, सही वो राम कोठारी, शरद कोठारी, दो ही भाई थे वो खत्म हुए। तो आज भी जैसे जन जन कितना उत्साह है, अच्छत बांट रहे हैं, टोली बना करके घूम रहे हैं, तो सबका योगदान है, हम सभी प्रसन्न हैं। हमें अकेले श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, दूसरे का जो काम है उसकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। सबका योगदान है, अब किसका अधिक योगदान है ये तो जो है वो इतिहास इसका आकलन करेगा, आगामी पीढ़ी करेगी, क्योंकि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। आगामी पीढ़ी निष्पक्ष और स्वतंत्र होगी, उसका काम उसको करने दीजिए, अपनी भूमिका हम लोगों ने निभाई। तो उम्मीद है कि आपको हम लोगों की ये बातचीत पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी, और जिसे कहते हैं ना कि ऑथेंटिक एडवोकेट इस मामले में, अयोध्या मामले में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, महीनों की सुनवाई, महीनों की दलीलें, सैकड़ों किताबें, सैकड़ों धर्मग्रंथ पढ़ने के बाद, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान में लेके जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको भी ज्ञान मिला हो। तो आप देखते रहिए वकालत 24 के अगले अंक में फिर मिलेंगे। वीडियो बना रहे हैं सुनील, सुनील को भी धन्यवाद, और आप सबको भी धन्यवाद।